Today, I will show you how the body parts are working. So, let's see in our textbook, page 143. See, the pictures given below, they show what the different parts of our body help us to do. Well, let us see what our legs and feet help us to do. Here, two pictures are given. One, a boy is walking, and second, a girl is skating. Our legs and feet help us in walking, skating and other activities also. देखो, ये बुक में जो दो एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें बताया है कि हम हमारे पैरों की मदद से क्या कर सकते हैं। हमारे पैरों से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, और यहाँ पे स्केटिंग करती हुई एक गर्ल दिखाई है, वो क्या कर रही है, स्केटिंग। तो हम हमारे पैरों से, अवर लेग्स एंड फीट, वी कैन वॉकिंग एंड स्केटिंग एंड वी कैन डू अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। देखो, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि हमारे लेग्स एंड फीट की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन डू वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, डांसिंग, साइकिलिंग एंड जंपिंग विथ अवर लेग्स एंड फीट। ये तो हमने जाना कि हम हमारे पैरों की मदद से क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज आवर हैंड्स एंड फिंगर्स। लुक इन द बुक। नाउ लेट अस सी व्हाट आवर हैंड्स एंड फिंगर्स हेल्प अस टू डू। वेल, आवर हैंड्स एंड फिंगर्स हेल्प अस टू राइट एंड टू ड्रॉ। मतलब कि हम हमारे हाथों और उंगलियों की मदद से क्या क्या काम कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम क्लैप कर सकते हैं। तो बोर्ड पे मैंने लिखा है, वी कैन डू द एक्टिविटीज विथ आवर हैंड्स एंड फिंगर्स। वी कैन डू ईटिंग, राइटिंग, ड्रॉइंग एंड क्लैपिंग विथ आवर हैंड्स एंड फिंगर्स। लेट अस सी व्हाट आवर माउथ हेल्प्स अस टू डू। लुक इट हियर इन द बुक। आवर माउथ हेल्प्स अस टू ईट एंड टू ड्रिंक। हमारे मुंह से हम लोग खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, आवर माउथ हेल्प्स अस टू डू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अच्छा, अभी हमारे माउथ के अंदर जो टीथ है, ये टीथ की मदद से हम क्या कर सकते हैं। वी कैन बाइट एंड चू। वी कैन बाइट एंड चू विथ अवर टीथ। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स के यूजेस हमने जाने। अभी पेज नंबर 144 पे ये वाली जो एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू दिया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। यू हैव टू टिक हियर व्हाट इज़ द राइट आंसर। I have written already on the board. The first, our legs and feet help us blend. Here, three options are given. Eat, walk and draw. So, इसमें से कौन सा right answer है?
Yes. Right answer is walk. Right answer is walk. We can walk with our legs and feet. Second, which part of our body helps us eat food? Food खाने के लिए हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट हमें मदद करता है? Leg, foot, mouth. Here also three options are given. So the right answer is mouth. You have to tick the option C. And in first MCQ, you have to tick option B. सेकेंड वाले का आंसर है माउथ. अवर माउथ हेल्प्स अस ईट फूड. सो दिस इज योर MCQs. टिक द करेक्ट आंसर्स. यू ऑल हैव टू राइट दिस इन योर EBS नोटबुक. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. So you can copy from it. Our next topic is our sense organs. Well, our body is the most amazing machine in the world. How do we know what is happening around us? We have five sense organs and five ways to know what is happening around us. These are called senses. Five senses are: first, sight; second, hearing; third, smell; fourth, taste; and fifth is touch and feel. Look at here. Our five sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. ये five sense organs की मदद से हम जान सकते हैं what is happening around us. And see things with our eyes. We can see colors, we can see shapes and sizes with our eyes. Second sense organ is ears. We can hear with our ears. We can hear loud and soft sound also with our ear. The third one is nose. We can smell with our nose. We can smell good or bad smell with nose. We can breathe with our nose. Breathe कैसे करते हैं हम? हमारे nose की मदद से. Fourth is tongue. We can taste with our tongue. How many tastes are there? We can taste sweet, salty, spicy, bitter and salt things with our tongue. अगर आप कुछ खाते हो तो वो आपको कड़वा लगता है, मीठा लगता है या खट्टा लगता है, आपको कैसे पता चलता है? आप अपनी टंग की हेल्प से वो जान सकते हो कि आपका जो आप चीज़ खा रहे हो उसका टेस्ट कैसा है. मीठा है, खट्टा है, सॉल्टी है या फिर कड़वा है. Our fifth sense organ is our skin. We can feel things with our skin. We can feel hot and cold. We can feel soft and hard. Also, we can feel sharp and blunt objects. These are the things we can feel with our skin.
So, let's revise our sense organ. We have 5 sense organs. They are eyes, nose, ears, tongue, and skin. This is our eyes. Our eyes help us see things around us. We have 2 eyes. This is our ear. Our ears help us hear sounds. We have 2 ears. This is our nose. Our nose helps us to smell. We have 1 nose. This is our tongue. Our tongue helps us to taste. We have 1 tongue. This is our skin. Our skin helps us to feel. We have skin all over the body. These 5 sense organs are very important to us. They are like our best friends. We must take care of our sense organs. Now, let us move to our exercise. First of all, oral questions. First question. How many sense organs do we have? Answer is 5. We have 5 sense organs. Question number 2. How do our hands and fingers help us? Answer is to write, to draw, to clap, and to eat. Our hands and fingers help us to write, to draw, to clap, and to eat. Exercise C. Fill in the blanks. First, our ears help us blank. You have to write in the blank here. Second, our legs help us blank. ब्लैंक के अंदर आपको लिखना है वॉक. 3. आवर टंग हेल्प अस ब्लैंक. ब्लैंक के अंदर आएगा टेस्ट. 4 नंबर. आवर ब्लैंक एंड ब्लैंक हेल्प अस स्केट. तो ये 2 ब्लैंक में आएगा लेग्स एंड फीट. 5 नंबर. Our blank and blank help us write. ये 2 blank में आएगा hands and fingers. यहाँ पे fill in the blanks के बाजू में आपको एक box दिया है, उसमें से देख के आपको answer blank में लिखना है. Now, exercise D. Match each sense organ with its correct description. इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको? एक तरफ सारे सेंस ऑर्गन के फोटोग्राफ्स दिए हैं और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. मतलब कौन सा सेंस ऑर्गन हमें किस तरह से हेल्प करता है ये लिखा हुआ है. तो आपको उसमें से रीड करके सही आंसर जो है उसके साथ आपको उसे मैच करना है. देखो यहाँ पे इस फोटो में मैंने ऑलरेडी आंसर्स मैच किए हुए दिखाए हैं. आपको उसमें से देख के अपनी टेक्स्ट बुक में मैच करना है. द फर्स्ट इज आई. तो 1 के साथ आप मैच करेंगे सी. This sense organ helps me to see. Second का आंसर है ऑप्शन ए.
This sense organ helps me to smell and breathe. Third का आंसर है ऑप्शन ई. This sense organ helps me to hear. Fourth का आंसर है ऑप्शन बी. This sense organ helps me to taste. Fifth का आंसर है ऑप्शन डी. This sense organ helps me to feel. Now exercise E आपको खुद ही करनी है आपकी नोटबुक में. और एक्सरसाइज F आंसर द फॉलोइंग questions. उसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर का फोटोग्राफ यहाँ पे दे रही हूँ, उसमें से आप आंसर्स कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख लेना.